आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथमर। सहिष्णुता के बाद अब फिल्म एक्टर अनुपम खेर जेएनयू की जंग में कूद गए हैं। अनुपम खेर ने आज तक से खास बातचीत में यह सवाल उठाया कि अभिव्यक्ति की आजादी का दम भरने वाले बताएं कि उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग जेएनयू में क्यों नहीं की गई। अनुपम खेर ने पूछा कि अब अभिव्यक्ति की आजादी कहां चली गई। अनुपम खेर की फिल्म बुड्ढा इन अ ट्रैफिक जैम जल्द रिलीज होने वाली है। ये फिल्म समाजवाद और पूंजीवाद के बीच टकराव पर बनी है, जिसमें जेएनयू जैसी कैंपस लाइफ दिखाई गई है। अनुपम खेर ने साथ ही ये भी कहा कि डायरेक्टर विनोद अग्निहोत्री के बार बार अनुरोध करने के बावजूद जेएनयू में फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की गई। अनुपम खेर ने कहा कि जेएनयू का मौजूदा माहौल ठीक नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ गौरव सावंत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, क्या वजह रही कि फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की गई? एक तो फिल्म का सब्जेक्ट हो सकता है और दूसरा जो जेएनयू का माहौल है इस वक्त। नेहा, अनुपम खेर ने कहा कि जेएनयू में चाहे असहिष्णुता की बातें होती हो कि असहिष्णुता नहीं है, लेकिन आरोप गंभीर है कि क्या जेएनयू में असहिष्णुता है कि उन्हीं की फिल्म नहीं दिखाई जा रही है और फिल्में दिखाई जा रही हैं। विवेक अग्निहोत्री जो उनके निदेशक हैं बुड्ढा इन अ ट्रैफिक जैम के, उन्होंने 6 चिट्ठियां लिखी विश्वविद्यालय को। पहली 4 का उत्तर नहीं आया, 5वीं का उन्होंने कहा हम आपको बाद में बताएंगे, और 6ठी के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये फिल्म नहीं दिखा सकते क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। ये फिल्म ऐसी है जिससे कई प्रश्न खड़े होंगे। 2 साल पहले बनी ये फिल्म, अब रिलीज के लिए तैयार है। जिस तरह का माहौल इस समय कई विश्वविद्यालयों में है, वही माहौल इस फिल्म में दर्शाया गया है। और यही सवाल अनुपम खेर ने पूछा, नेहा, क्या यही वजह है कि मेरी फिल्म नहीं दिखाई जा रही है। साथ ही गौरव, जिस तरह से अभी टेलीग्राफ का जो इवेंट हुआ था उसमें अनुपम खेर ने अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि देश में असहिष्णुता नहीं है, लेकिन ऐसे कई तत्व हैं और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये दिखाया जा सके और दर्शाया जा सके कि असहिष्णु माहौल है यहाँ पर। मेरी जो उनसे अभी बात हुई, जो आज तक के दर्शक अब से थोड़ी ही देर में देखेंगे, उसमें खास तौर पर उन्होंने कहा कि ये फिल्म इसी तरह के माहौल को दर्शाती है कि किस तरह से, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म था, कि क्या इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है जिससे भय हो, और ये केवल विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं बल्कि सरकार के कुछ विभागों तक ये बात जाती है, और ये देश हित में नहीं है, कुछ इस तरह की सीख इस फिल्म से निकल रही है। और संभवतः उनको ये भय था कि इसी वजह से ये फिल्म नहीं दिखाई जा रही है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मेरे सहयोगी गौरव सावंत जिन्होंने ये इंटरव्यू किया है अनुपम खेर से, और उसमें अनुपम खेर का ये कहना है कि जेएनयू का मौजूदा माहौल ठीक नहीं है, जिसके चलते जेएनयू ने इनकार कर दिया उनकी फिल्म जो कि 2 साल से प्रदर्शन का इंतजार कर रही है, बुड्ढा इन अ ट्रैफिक। ये फिल्म प्रदर्शित होने वाली है और जो निर्देशक है उन्होंने बार बार चिट्ठी लिखी जेएनयू को, इसके बावजूद इनकार कर दिया गया। प्राची ने भी अनुपम खेर पर निशाना साधा है। साधी प्राची ने चुनौती दी है कि अगर अनुपम खेर में हिम्मत है तो उन्हें जेल भिजवा कर दिखाएं। हमें इस तरह की बयानबाजी, so this time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And